रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। कौन सी ऐसी किताब है जो 100% मुझे अपने अंदर डुबो लेगी? और मेरी नजर पड़ी मेरे एक पूरे शेल्फ पे जिसमें सिर्फ सिडनी शेल्डन और जेफरी आर्चर्स है। सो सिडनी शेल्डन अ बुक्स, देयर इज दिस गाय कॉल्ड सिडनी शेल्डन ऑफ कोर्स, जिसने किताबें लिखी है। इनकी किताबों में ना जनरली इट्स वीमेन सेंट्रिक, हाँ वीमेन आर द हीरोज ऑफ हिज बुक्स। और इनकी किताबों में सब कुछ होता है, मतलब क्रेजी चेजेस होती हैं, क्रेजी स्टोरी लाइन होती है, लव सेक्स रिलेशनशिप्स इमोशंस सब होता है, मतलब एक परफेक्ट बॉलीवुड की फिल्म होती है। ठीक है, बस आइटम सॉन्ग्स नहीं होते इसके अंदर, बट इट गोज दैट फास्ट। तो मैंने सिडनी शेल्डन की एक किताब उठाई जिसका नाम है द सैंस ऑफ टाइम, जिसकी आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात सुने, अगर आप कभी किसी छुट्टी पे जा रहे हो और आपने इंजॉय करनी है छुट्टी, तो सिडनी शेल्डन मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार सिडनी शेल्डन में घुस गए तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट आउट। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू कि आप कुछ और कर सको। वो किताबें और वो कहानियां आपको अपने अंदर ऐसे संभालेंगी कि यू'ड बी लाइक अब मुझे किताब खत्म करनी है। और यही हुआ मेरे साथ, पूरी फ्राइडे रात कौन नहीं सोया, मैं पूरी किताब खत्म करी, सैटरडे मॉर्निंग 4 बजे अल्टीमेटली सोई। तो सिडनी शेल्डन की सैंस ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं। 4 नंस की कहानी है, सोचिए 4 नंस इन अ कॉन्वेंट, इनकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये ऐसा कॉन्वेंट है जिसमें नंस बोलती भी नहीं है, जिसमें एक्चुअली कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। जब नंस को एक दूसरे से भी बात करनी होती है तो वो हैंड जेस्टर्स यूज करते हैं, कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखता। इन 4 नंस की कहानी में ऐसा कोई क्या डाल सकता है जो एक पॉट बॉयलर बन जाए, टिपिकल बॉलीवुड फिल्म बन जाए? सिर्फ सिडनी शेल्डन ये कर सकते हैं। तो चलिए, सैंड्स ऑफ टाइम की इस 1 घंटे की गिनी की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग वंस अगेन, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस बुक। ठीक है, आज लाइब्रेरी में एक ऐसा ऑथर, एक ऐसी किताब जिसको पुट डाउन करना बहुत मुश्किल है। सिडनी शेल्डन है इस ऑथर का नाम। बचपन से लेकर आज तक आई बीन अ ह्यूज फैन। आई मीन लोग कहते हैं कि यार ये लिटरेरी इनफ नहीं है, बट आई लव सिडनी शेल्डन। खैर, तो सिडनी शेल्डन की किताब उठाई मैंने, सैंस ऑफ टाइम, 4 नंस की कहानी है जो कि एक कॉन्वेंट में रहती है, जहां पर बिल्कुल साइलेंस होती है, जहां पर वो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखती। इन 4 नंस का नाम होता है मेगन, लूसिया, टेरिजा और ग्रासिएला। ठीक है, अब ये सब नंस एक साथ एक चर्च में रहती होती हैं। एक रात बहुत शोर होता है एंड दे रियलाइज कि बेसिकली एक जनरल है स्पैनिश आर्मी के, वो आए हैं और वो चर्च के ऊपर धावा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक टेररिस्ट है जेम, और वो जेम जो है वो इसके अंदर घुसा हुआ है एंड यू नो दे वॉन्ट टू किल हिम। नाउ जैसे ही ये लोग जो आर्मी है ये चर्च के अंदर घुसती है तो नंस बहुत घबरा जाती हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने जिंदगी में 25 साल 30 साल इस चर्च में गुजार लिए होते हैं विदाउट सीइंग एनीबडी, विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। इमेजिन अब आर्मी घुस गई है, लोग गन्स के साथ घूम रहे हैं, तो आपको पता है कि कितनी मतलब चीख पुकार हो रही होगी। तो इतने में क्या होता है कि ये 4 नंस होती हैं एक साथ, जो मेगन, लूसिया, टेरिजा और ग्रासिएला होती हैं, ये कोने में खड़ी होती हैं। तो इनको जो उस कॉन्वेंट की हेड होती हैं वो एक क्रॉस देती हैं, गोल्ड का क्रॉस होता है, और बोलती हैं कि इसको दूसरे वाले चर्च में ले जाना और तुम लोग भाग जाओ। और ये चारों भाग जाती हैं। ठीक है, अब उस चर्च में से और कोई नहीं भाग पाया एक्सेप्ट द 4 ऑफ देम। अब ये भाग रही हैं और फ्लैशबैक में इनकी कहानी चल रही है। ठीक है, तो जो मेगन है, मेगन को ये पता है अपनी जिंदगी के बारे में कि जब वो पैदा हुई थी उसे एक ऑर्फनेज में डाल दिया गया था। वो बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत बहुत लाइवली है ऑर्फनेज में, वो बच्चों के साथ पली, वो उनकी लीडर थी, वो सारी शरारतें करती थी, ऑल ऑफ इट वॉज परफेक्ट। पर उस ऑर्फनेज की कहानी थी कि 15 साल के बाद कोई बच्चा उस ऑर्फनेज में नहीं रह सकता, तो मेगन को समझ नहीं आता वो कहाँ जाए। तो उस ऑर्फनेज के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम इस चर्च का हिस्सा बन जाओ, और मेगन उस चर्च में चली जाती है। अब दिस वाज मेगन स्टोरी, वो 25-30 साल की है, तो 10 साल उसने अपनी जिंदगी के चर्च में गुजारे हैं, 15 साल बाहर गुजारे हैं। शी सॉर्ट ऑफ रियली लाइक्स द एक्साइटमेंट एंड देन शी इज फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट द एक्साइटमेंट, बिकॉज शी इज लाइक मैं तो है नन हूं, मैं मतलब कैसे ये भागना और डेंजर और इस सबको एंजॉय कर रही हूं। तो ये मेगन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी बची 3 नंस, लूसिया, टेरिजा और ग्रासिएला।
जो लूसिया है उसकी कहानी बहुत अमेजिंग है। वो अभी अभी कॉन्वेंट में आई थी, 6 महीने पहले उस चर्च का हिस्सा बनी थी। क्यों? क्योंकि जो लूसिया के फादर थे वो एक माफिया बॉस थे, ठीक है, जिन्हों को कई लोगों ने बिट्रे कर दिया था और लूसिया ने उनका बदला लिया था। एंड बिकॉज शी इज वॉन्टेड फॉर मर्डर और बहुत सारी पुलिस उसके पीछे है, उसे लगा दैट द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज अ कॉन्वेंट, क्योंकि कोई उसको वहां थोड़ी ढूंढेगा, इसलिए उस कॉन्वेंट में छुपी हुई थी। अब वो बाहर आ गई है एंड शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि मतलब उसको आदत है ना बाहर रहने की, और 6 महीने इन अ कॉन्वेंट हैज ऑलरेडी मेड हर फील वेरी वेरी क्लटर्ड। जैसे कोविड ने हमें बना दिया ना कि हम घरों के अंदर रहने के इरिटेट होने लग गए हैं, तो लूसिया उस स्टेज में, तो शी इज वेरी हैप्पी टू गेट आउट। अब मैं आपको बताती हूँ टेरेसा के बारे में, ठीक है। टेरेसा जो है ये अपने एक बहुत ही बड़ी फैमिली में और बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा हुई थी एंड शी वॉज वेरी नाइस, पर टेरेसा में कुछ स्पेशल नहीं था फिजिकली, ठीक है। जैसे उसके माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी बेटी को भेज देते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट, पर तुम कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो ना एक फेस के ऊपर, वो उसका फेस ऐसा ही था एंड इट वॉज लाइक शी हैड अ डिफॉर्मिटी, पर उसके पास एक बहन थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, तो उसकी बहन को हमेशा बहुत सारी अटेंशन मिलती है, चाहे लोगों से हो चाहे ऑपोजिट जेंडर यानी कि आदमियों से हो बॉयज से हो, और टेरेसा हमेशा चुपचाप ही रहती है। एक्सेप्ट जब टेरेसा अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल की होती है, तो एक दिन वो स्कूल जाती है और स्कूल से उसे चर्च लेके जाते हैं और चर्च में उसे बहुत अच्छा लगता है, और चर्च में ना कॉयर नहीं होता, याद है हम स्कूल में होते थे तो एक कॉयर होता था जहां पर हम गाने गाते थे, तो एक कॉयर का हिस्सा बनाया जाता है। एंड देन दे डिस्कवर दैट टेरेसा हैज अ वॉइस विच इज अनबिलीवेबल, मतलब इतनी खूबसूरत आवाज किसी ने कभी नहीं सुनी, तो वो सिर्फ चर्च में गाती है और वो कभी इसका बहुत शोर नहीं मचाती बिकॉज टेरेसा को आदत है एक चूहे की तरह रहने के लिए, यू नो वेयर नोबडी पेज एनी अटेंशन टू हर। सो एक्सेप्ट एक दिन उस चर्च के अंदर एक रेडियो स्टेशन का एक बंदा बैठा हुआ होता है और रेडियो पे उसकी आवाज आती है एंड ओ माई गॉड शी बिकम्स अ सेंसेशन, शी बिकम्स अ क्रेजी सेंसेशन। हाँ, तो क्या होता है कि टेरेसा की आवाज सुनकर, आपको पता है कि डांसेस होते हैं म्यूजिकल्स होते हैं जिनको थिएटर कहते हैं, तो एक बहुत बड़ा थिएटर आर्टिस्ट होता है जो कि पेरिस में रहता है, वो टेरेसा की आवाज सुनता है रेडियो पर एंड ही डिसाइड्स दैट ओ माई गॉड आई नीड टू गेट दिस गर्ल, इसको मेरे लिए गाना गाना चाहिए एंड ही कॉल्स हर एंड सेज आई वांट टू मीट यू। सबको लगता है कि एक मजाक है क्योंकि इतना बड़ा डायरेक्टर जो इतने बड़े बड़े स्टेज शोज बनाता है वो टेरेसा की आवाज के लिए इतना दीवाना हो गया, बट ही सेज मुझे तुझसे मिलना है, मुझे तुझसे मिलना है, तो टेरेसा के पेरेंट्स कहते हैं आप घर आ जाना। अब जो टेरेसा की बहन होती है उसे बड़ी जलसी होती है, भाई दुनिया का इतना खूबसूरत इतना नोन डायरेक्टर उसके घर आ रहा है उसकी बहन के लिए, लाइक सीरियसली। शी गेट्स रेडी एंड शी लुक्स गॉर्जियस। मुझे लगता है हर लड़की को अगर बोला जाए ना कि आप तैयार हो जाओ और आज आपको बहुत सुंदर लगना है, एवरी गर्ल हैज द पावर ऑफ लुकिंग गॉर्जियस, हाँ, तो वो बहुत सुंदर लगती है। तो जब डायरेक्टर आता है वो दरवाजा खोलती है, डायरेक्टर को लगता है यही टेरेसा है, वो उससे बातें करता है एंड ही इज कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड विद हर, और इतने में टेरेसा आती है हु इज नॉट वेरी गुड लुकिंग या एंड डायरेक्टर कैनॉट को रिलेट द टू एंड वो टेरेसा को कहता है नहीं मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता, और इस बात को सुनकर टेरेसा एक और शेल में चली जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो जिंदगी भर गाना नहीं गाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर बहुत सालों बाद टेरेसा को किसी से प्यार होता है। अब टेरेसा आगे कॉन्वेंट कैसे पहुंचती है, इसके लिए आपको ना एक्चुअली किताब उठानी पड़ेगी साइंस ऑफ टाइम, लिखी है सिडनी शेल्टन ने। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना ये 50 पेजेस में हो जाता है किताब के, आगे किताब के लिए चाहिए पढ़िए सिडनी शेल्डन की सैंस ऑफ टाइम। मेरा नाम गिनी, गिनी की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है रेडियो सिटी पर। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े इरिटेट हो रहे हो कि बताना फिर टेरेसा के बाद आगे क्या हुआ, पर मैं नहीं बता सकती ना, यही तो पर्पज है गिनी की लाइब्रेरी का कि मैं आपको कहानी के उस एंड तक ले जाऊं जहां पर अब आपका मन करे और जानने का, और इसके लिए आपको उठानी पड़ेगी आज की मेरी किताब विच इज कॉल्ड सैंस ऑफ टाइम और लिखी है सिडनी शेल्डन ने। गुड इवनिंग जी, वेलकम वंस अगेन। तो हम कहानी सुना रहे हैं आपको आज 4 नन्स की जो एक कॉन्वेंट में रहती है, उस कॉन्वेंट में कोई बात भी नहीं करता, हाँ, दूसरे से वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं। ये 4 नन्स कॉन्वेंट से भाग जाते हैं क्योंकि आर्मी ने कॉन्वेंट के ऊपर हमला बोला होता है क्योंकि उन्हें लगता है टेररिस्ट छुपा हुआ है, और ये भाग जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी ना एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की होती है, ठीक है, वो अगेन वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द बुक, हाँ, वो बहुत गरीब घर से होती है और वो एक छोटे से शहर में काम कर रही होती है, सुंदर होती है, हैप्पी होती है अपनी जिंदगी के साथ, उसकी ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि वो छोटे शहर की छोटी लड़की है, विच इज कूल,
वो एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है, ठीक है। एक दिन फैक्ट्री का ओनर आता है। अब फैक्ट्री का जब ओनर आता है तो नहीं होता कि उसको फैक्ट्री दिखा रहे होते हैं, तो वो बहुत ही अमीर कोई इंसान होता है। तो वो ओनर जब आता है तो उसको फैक्ट्री दिखा रहे हैं एंड ही स्टैंडिंग समवेयर, और टिपिकली जैसे बॉलीवुड मूवीज में नहीं होता कि हीरो खड़ा हुआ है और उसके ऊपर कुछ गिरने वाला है, पर ये लड़की उसको धक्का दे देती है एंड एज अ रिजल्ट वो जो बड़ी सी मशीन है वो इस लड़की के ऊपर गिर जाती है और इसकी शोल्डर रिब्स इंजर हो जाती है और इसे अस्पताल में ले जाते हैं। ओनर को उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो लड़की जो कि गांव की एक छोटी सी लड़की होती है, सडनली एक मल्टी मिलियन डॉलर फैमिली का हिस्सा बन जाती है। उस फैमिली में एक बड़ा भाई होता है जो एक्चुअली सारे बिजनेस डिसीजंस लेता है, और ये जो स्कॉट इंडस्ट्रीज का मिस्टर स्कॉट होता है जिससे इसकी शादी हुई होती है, वो एक छोटा सा मतलब नहीं होता कि एक बंदा चुप होता है फैमिली में जो कि चुपचाप काम करता रहता है, और एक बंदा होता है जो सारा क्रेडिट लेता है। तो शी सीज हर हस्बैंड ऑलवेज वर्किंग। एक दिन ये चारों जने, बड़ा भाई, उसकी बीवी, उनकी एक महीने की बेटी, ये लड़की और उसका हस्बैंड एक प्लेन में जा रहे होते हैं। वो प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे वो प्लेन क्रैश होता है तो बड़ा भाई और उसकी बीवी वो तो मर जाते हैं, जो वो छोटी सी बेबी थी वो बच जाती है। तो ये लड़की अपने हस्बैंड को कहती है कि देयर इज अ रीजन कि हम बच गए। द रीजन इज कि अब तू स्कॉट इंडस्ट्रीज को आगे ले जाएगा। तो कहता है पर नहीं, स्कॉट इंडस्ट्रीज तो इस बच्ची की है ना। शी से इस बच्ची को हम यही छोड़ देते हैं, और वो यही करते हैं और वो चले जाते हैं और स्कॉट इंडस्ट्रीज के हेड्स बन जाते हैं। क्या वो बच्ची बड़े होकर मैगन, लूसिया, टेरिजा और ग्रासियला बनती है? वो बच्ची का क्या कहानी है, ये भी आपको जाननी बहुत जरूरी है। और कैसे जानोगे? पढ़कर। सैंड्स ऑफ टाइम, सिडनी शेल्डन की। भाई इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना सकती मैं इस किताब को। तो जाइए उठाइए इस किताब को और मुझे बताइए कैसी लगी। rjgini@gmail.com एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी अबाउट योर फेवरेट बुक सो आई कैन टॉक अबाउट देम @rjgini इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और एक किताब जरूर उठाइएगा, ठीक है।